वेलकम बैक फ्रॉम द रिकग्नाइजिंग। इस वक्त हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसने बड़ी अच्छी वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सेमीफाइनल तक भी पहुंची, लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि वर्ल्ड कप के मैचों में क्या इंडिया के साथ पता नहीं कोई नहुसत वाला मामला है क्या है, हम हर दफ़ा हारते चले आ रहे हैं। 1992 में 43 रन से शिकस्त हुई, 1996 में 39 रन से रह गए, उस वक्त भी ऐसे हुआ था। अजय जडेजा ने वकार यूनस के ओवर में 22 रन उसी तरह बनाए जैसे कल ये सारा कुछ हुआ। 1999 में भी भारत जो था 47 रन से फतह याब हुआ। 2003 में सईद अनवर की शानदार सेंचुरी के बावजूद 6 विकेटों से हार गए और अब 29 रन से नाकामी हुई है। ये क्या जैसे साहब यहाँ पर मौजूद है, जैसे क्या मसला क्या है वर्ल्ड कप के मैचों में, हमने कोई रिकॉर्ड बनाना है इंडिया से हारने का? सब ये तो एक लाख की बात है, बाकी मैचेस भी हमने जीते हैं वर्ल्ड कप, एक समझ लें ऑस्ट्रेलिया जीते रही है वर्ल्ड कप, इस दफ़ा क्यों नहीं जीती, लगातार जीतती रही है, सबसे ज़्यादा वो बल्कि जीती है वर्ल्ड कप। इंडिया अपनी बैटिंग स्टंप पे जीता है ज़्यादातर अभी तक, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान में रखें जब पाकिस्तान टीम गई थी वही टीम थी जो अनाउंस नहीं हुई थी, वही टीम थी जिसका कप्तान नहीं था, वही टीम थी जिसके एक परमानेंट खिलाड़ी जो दुनिया को क्रिकेट को पता था कि ये आमिर और इससे अच्छे बॉलर और फाज बॉलर आसिफ से अच्छे बॉलर नहीं है, उन्होंने निकलवा दिया उनको, किसी भी एंगल से निकले वो बाहर हो गए। तो उसके बाद जब टीम गई थी तो यकीन करें जनरल जो पब्लिक की और हमारी सबकी सोच थी वो थी कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या होगा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ। और हर दफ़ा जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप हारते हैं या कोई ऐसी बात होती है कि जी आइंदा वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ अब ये सोचने का टाइम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, एसोसिएशन को बीच में मिलाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत पैदा करें, और ज़रूरी नहीं है कि यही 10-15 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखें जहां आप ये समझते हैं कैच ही छोड़े गए, जहां आप सोचते हैं बैटिंग अच्छी नहीं हुई, जहां आप सोचते हैं फील्डिंग अच्छी नहीं हुई और बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो कोचिज का भी उतना ही हाथ है। तो नए लोगों को आजमाएं, और मैं समझता हूं इन तमाम लोगों को अकेडमी में आके सिखाना चाहिए, बनिस्बत टीम के साथ रह के वहां जमघटा लगा के वहां कुछ नहीं सीखता आदमी, वहां कोई अंदर किसी को कैच नहीं पकड़वा सकता, ना बल्ला सीधा करवा सकता है और ना एक्शन ट्रेन करा सकता है। तो अकेडमी में इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है या जो भी बड़ा इवेंट है उसके लिए अपनी टीम को तैयार करें और जमहूरियत लेकर आए, एसोसिएशन का उनको साथ मिलाएं, ऑर्गेनाइजर की इज्जत। बड़ी अच्छी तजवीज है, यानी कि अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया, हर बार हम कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। टीम अनाउंस लेट की, हमने कप्तान को लेट अनाउंस किया, जो हमारी टीम के साथ मामला हुए, वन मैन शो रहा। एक क्रिकेट की असेंबली बननी चाहिए चारों सूबों की, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं बड़े एसोसिएशन के सदूर हैं उनको शामिल होना चाहिए, ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए, सईद बख्त जैसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की खिदमत की है, और उनसे मशवरे लें, कोई बुराई नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई चेयरमैन बने क्रिकेट को प्रमोट। बड़ी बड़ी अच्छी तजवीज दी। इससे पहले कि मैं सईद साहब की तरफ जाऊँ, कॉलर है मेरे काफी देर से होल्ड पे हैं, सफदर साहब हैं कैंट से। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, कॉल गालबन ड्रॉप हो गया। चलें जी, क्रिकेट की असेंबली बननी चाहिए पूरे चारों सूबों की, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ आई है, क्या कहते हैं? बिल्कुल बननी चाहिए जी, एक वक्त था जब कराची और लाहौर नर्सरी थी क्रिकेट की, अब देखेंगे क्रिकेट के प्लेयर्स किसने छोटे छोटे शहरों से निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो अगर आप उनको सही मौके देंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, क्योंकि वो ना आपके पास आप देखें, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी, मेरा ख्याल है वी वर द वर्स्ट लीस्ट प्रिपेयर्ड टीम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड कप की, जिस तरह लोगों ने तैयारी की, हर मुल्क ने तैयारी की, उनके जो उन्होंने एयर मार्क कर दिए, जो प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट करने थे, जिनमें से सिलेक्ट करने थे, फिर उनको खिलाया, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनके सारा कुछ हुआ, हमें तो लास्ट मिनट तक वो हमारे 30 प्लेयर्स भी इतनी मुश्किल से अनाउंस हुए हैं, डेट एक्सटेंड करवा के, फिर उसमें से जो 15 सेलेक्ट करें थे वो भी हमने डेट एक्सटेंड करवा के, कहीं स्पॉट फिक्सिंग में हमें इन्वॉल्व कर दिया, कहीं किसी और कॉन्ट्रोवर्सीज में कर दिया। अब ये साजिश समझ लें, बदकिस्मती समझ लें, को शोक शोक देखें अपना बख्श साहब, इतना ज़्यादा है कि कल जब सिटी 42 भी उसमें पार्टनर था, पीसीबी की तरफ से जो लगाई गई वहाँ पर स्क्रीन लगाई गई गद्दाफी स्टेडियम के अंदर, तो शायद पहली दफ़ा गद्दाफी स्टेडियम पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर 20,000 लोग, उससे भी ज्यादा लोग सिर्फ स्क्रीन पर मैच देखने के लिए पहुंचे। बिल्कुल सही, ये लोरियों का जरा आप शोक मुलाहिजा करें, फैमिलीज उसमें देखें कि वो सारे लोग क्यों पहुंचे, वो स्क्रीन पर मैच देखने के लिए पहुंचे, शोक तो भी है, शोक तो बहुत है जी लोगों को, ये एक किस्म का रिलीजियस इवेंट समझते हैं लोग, वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान इंडिया मैच, तो खासतौर पर सफदर साहब दोबारा लाइन पर हैं जी, पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी उनकी, मैं उनकी बात सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सफदरबाद से लाहौर से बोल रहा हूँ सर। जी जी सफदर साहब, क्या उमर अकमल साहब बैटिंग कर रहे थे, वो ग्लव्स देने क्यों आया बंदा?
वो जब ग्लव्स लेके गया और साथ ही वो विकेट आउट हो गया, वो खुद आउट हो गए हैं। क्या वो बताने हैं अभी आपके रन पूरे हैं, आप आउट हो जाओ। सही है, बहुत बड़ी बैड भी चल रही है। और सर हमने, मेरी वाइफ ने रोजा रखा है, रोजे की हालत में इबादत करते हैं, अल्लाह ताला हमारा मतलब परचम बुलंद रखे, इस्लाम का बोल बालाओ, कुफर का मुंह कालो, उसके बावजूद वो मतलब इतने इजी कैच छोड़े ने, फ्रीजे ने जब देखा नेटोर क्या कहते हैं विकेट रन पूरे हो गए, उसने साथ कैच कर लिया, अच्छा कैच पकड़ लिया। अच्छा यानी कि आप ये कहते हैं कामरान का भी और अफरीदी का भी रन जितने उन्होंने करने थे वो पूरे कर लिए थे? हाँ जी, वो पूरे जितने तय थे ना वो उन्होंने पूरे कर दिए। जब आउट होना था वो मुश्किल कैच उन्होंने पकड़ लिया, इजी हमने कैच छोड़ दिया और मुश्किल तीन वो कैच हमने ना वो पकड़ लिया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। लोग देखें, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं एक चीज सईद बख्श साहब, हजरत भाई साहब, बड़ी अहम है। वो चीज अहम ये है कि अगर मेरे घर में रोज़ा रख कर पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही होंगी, हम लोग नफल पढ़ रहे होंगे उसके लिए, हम लोग लोगों को फ़ोन करके कह रहे होंगे चलें जी सूरह नास का वेर शुरू कर दें, हम मैसेजेस आ रहे होंगे, फिर इन चीज़ों पे नज़र तो बड़ी सख्त रखी जाएगी। अब बताएं क्या जस्टिफिकेशन है वो जो ग्लव्स चेंज करने के हवाले से सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उस पर क्या कहते हैं आप? बताएं जी मैं तो कुछ भी नहीं, आप ये भी सोच लें कि जितनी दुआएं की गई हैं, जितनी नमाजें पढ़ी गई हैं, तो आया उन लोगों के लिए भी मेरा ख्याल है लोगों ने दुआ की है कि ऐसे लोग टीम से दूर रहें तो वो कबूल हो जाती, ये बात नहीं है। देख मेरे ख्याल मसद हर अगर आप ये समझते हैं कि खाली दुआओं से क्रिकेट जीती जाती है ग्राउंड के अंदर, मेरा ख्याल है अगर आप ये समझ लें टीम सेमीफाइनल तक दुआओं से पहुंची है तो उसका शुक्र अदा कर लें हम। और जब कोई एंड ऑफ द डे कोई काम नहीं होता तो इसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होती है, पाकिस्तान अगर फाइनल में जाता वहाँ कोई पता नहीं किस किस्म का वो शिवसेना या कोई बहाना बन जाता, अल्लाह ताला ने क्या बेहतरी देखी, हमारे ईमान का तकाज़ा है अल्लाह ताला जो करता है ठीक करते हैं। जंग से एक कॉलर है मेरे साथ, मैं उनकी बात सुन दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सही है, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, आमिर थे जंग से, कॉल ड्रॉप हो गई। जी अच्छा, अब किसकी चेंज होने आए थे? कामरान के। अच्छा कामरान, जब उसने वो तो आपको पता है जो सईद अनवर ने ग्रिप चेंज की थी वो भी आज तक चल रहा है 99 का। ऐसी चीजें देखें, बात पता कि जो पब्लिकली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यकीन करें खिलाड़ियों को नजदीक का भी नहीं पता होता और वो टीवी पे पैसे लगा के बैठे हैं, जो हार गए होते नहीं सी, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितना आपने स्पॉट फिक्सिंग का या एंटी करप्शन यूनिट जिस तरह फिर रहे थे, जिस तरह आपको पता CID इंटेलिजेंस फिर रहे थे, मेरा ख्याल है कि खिलाड़ियों को बहुत पैसे मिलते हैं, अब उसके बावजूद भी तो उसका तो इलाज फिर किसी के पास भी नहीं ना, अगर ये सब कुछ चीज़ें मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ मौजूद थे, सारी कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी, खिलाड़ियों के घरों में भी जानमाज़ें बिछी हुई थी, मैं खुद जानता हूँ कई खिलाड़ियों को, तो ये बेखाल है कि ये हमारी ये कहना गलत है, ये मैच फिक्सिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर ठीक है। वो अभी जो कॉलर कह रहे थे कि जनाब उनके स्कोर पूरे हो चुके थे जिन्होंने करने थे, अभी आपके पास एक मौका है, अच्छा पूरी मैनेजमेंट को बिठाएं, उसकी इंक्वायरी कराएं, उससे पीछे बैकग्राउंड में जाएं, हर लड़के से इंटरव्यू करें, कोई बात नहीं, अच्छाई के लिए कोई बेहतरी के लिए कोई काम करने के लिए कोई ऐप नहीं है, आप 1-to-1 बैठ के भी पूछें कि भाई आप कैच किस तरह छोड़े, उसको बार बार स्क्रीन पे देखें कि यार ये किस तरह छूटा था, देखे जी कई बार तो आदमी छोड़ना भी चाहता तो नहीं छोड़ता, ऐसे कब हुआ था कैच आउट, आदमी ऐसा हो जाता है कि जब आउट नहीं होना चाहता तो आउट हो जाता, ये चीजें ऐसी दिल मेरा भी करता है बहुत हम अपनी टीम को डिफेंड करें, बड़े अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया, लेकिन इंडिया के हम जब बात करते हैं थोड़ा सा दिल दुख जाता है, डिफेंस से अली इतना कितना पैसा मिलना था इनको, डिफेंस इतना इनामात मिलने थे, डिफेंस से अली है मेरे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, मैं फर्स्ट टाइम कॉल किया न्यूज नाइट पे, जी जी बहुत शुक्रिया, देना चाह रहा था, मैं बड़ी देर से कह रहा था सर, ये सिर्फ आफरीदी को फ्लॉप करने के लिए अब्दुल रजाक, यूनस खान और जो हैं आपके मिसबा सर, इन्होंने इतनी खराब बैटिंग की है, आज तक कभी यूनस खान इस तरह खेले हैं जिस टेस्ट मैच बना के खेल रहे हैं, और पूरी कौम की दुआएं थी साथ और इंडिया के साथ स्पेशली सर, सर इस सेमीफाइनल में किस तरह पहुंचे हैं, बस वेस्ट इंडीज को हरा के पहुंचे हैं, तो अच्छी टॉप की टीम थी हमारी सर, ये सिर्फ आफरीदी को फ्लॉप करने के लिए इन लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली। एक और नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे सामने आ गई कि ये जो कुछ हुआ है वो शायद आफरीदी को नाकाम करने के लिए हुआ है। सईद बख्श साहब क्या कहते हैं, सुनते हैं ब्रेक के बाद।